लोग आ गए हैं अभी सास बहू का मंदिर है ना, तो ये सास है और ये बहू का मंदिर है यहाँ पर। जैसे कि आपको खूबसूरत से यहाँ गैलरी मिल रही होगी, हम जा रहे हैं इस गैलरी से सास बहू मंदिर, तो वहाँ पर सास बहू मंदिर देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा है सास बहू। ग्वालियर का हूँ मैं, पर मैंने अभी तक इधर मैं घूम रहा हूँ। ये भैया हमें यहाँ मिल गए थे, ये भोपाल से आए हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है वीडियो में अपनी, और ये हम लोग गाइड कर रहे हैं आगे की ओर। देखते हैं हम लोग, भैया ले जा रहे हैं हमें सास बहू मंदिर की ओर, तो मिलते हैं वहाँ सास बहू मंदिर पर, देखते हैं वहाँ का नज़ारा। दोस्तों हम आ चुके हैं सास बहू मंदिर, सूचना बोर्ड आपको मिल रहा होगा यहाँ पर, और सामने है सास बहू मंदिर जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी हम अंदर जाएंगे गेट की ओर, देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो हम लोग ये आपको दिखा रहे हैं इसकी जो सास बहू मंदिर का गाइडलाइन है, तो आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर। चलते हैं आगे, देखते हैं सास बहू मंदिर। तो गाइस ये लगा हुआ है जो, अच्छा मतलब पढ़ सकते हैं वो लोग, ऐसे ही जो लोग आते हैं मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं जिसको दिखता नहीं होगा। हाँ तो उंगली रखे, जैसे कि ये ऐसे मैं अक्षर पे उंगली रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ऐसे मतलब पढ़ सकते हैं वो, ऐसे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो पूरा मतलब पूरा जैसे कि ये दिया हुआ है ना सास बहू मंदिर का गाइडलाइन दी हुई है, तो जैसे भी जैसे कि ये दिया हुआ है ये ऐसे हाथ रख रख के पढ़ लेते हैं पूरी चीज़, तो पता चल जाता है इन लोगों को सास बहू मंदिर कैसा है और क्या है सास बहू मंदिर के अंदर। तो गिलहरी यहाँ पर टहल रही हैं जी, अभी मॉर्निंग वॉक करने आई हैं। तो ये रहा सास बहू मंदिर, अभी हम चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं सास बहू मंदिर। तो थोड़े जीने हमने चल लिए हैं यहाँ के, और जीने के आकार पे आपको भारी मात्रा में देखो कढ़ाई मिलने वाली है, और यहाँ की मंदिर जैसे कि आप लोग देख सकते हो पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ प्राचीन यहाँ पर लिपि का पूरा पूरा संचार दिया गया है, यहाँ पर साफ़ सफाई का भी पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। चलते हैं अंदर की ओर, आपको दोनों साइड में यही दिखेगी कारीगरी आपको यहाँ पर भी, और अंदर भी आपको विशेष यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे, यहाँ पर आप लोग आओगे तो आपको ये मिलेगा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप ज़रा जूम करके देखोगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। आपको दोनों साइड यहाँ भी और यहाँ भी आप लोग यहाँ पर मूर्तियाँ देख सकते हो, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे हैं तो खंडित हो चुकी हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो आप कुछ मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं। यहाँ से ये अंदर की ओर जाता है, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अंदर की ओर आ गया हूँ और अंदर की ओर, तो आपको यहाँ पर भर अच्छी कारीगरी देखने को मिलेगी। पत्थर का जो डिजाइन है ना यहाँ पर सास बहू मंदिर का अलग ही लुक दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे जो मंदिर की मूर्तियाँ ना काफ़ी टाइम पुराने हैं, खंडित हो चुकी हैं पूरी मूर्तियाँ यहाँ पर यहाँ का डेकोरेट भी किया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग अगर ग्वालियर आते हो आप लोग, तो आप सास बहू मंदिर देखना ना भूलें, तो ये काफ़ी मंदिर अच्छा लगने वाला है आपको। ऐसे कि मैं आपको आगे ले चलता हूँ, तो ये मेरे को लग रहा है कुछ नहीं है लग रहा था दूर से देखने में, ये एक छोटी सी गुफा है यहाँ पर, और यहाँ पर हवा और धूप के लिए यहाँ पर खोला गया है थोड़ा सा यहाँ पर, और यहाँ पर शिव पार्वती की यहाँ पे प्रतिमा मिलेगी आपको यहाँ पर भी। तो मूर्तियाँ काफ़ी टाइम पुरानी हैं और खंडित हो चुकी हैं, पर जो पत्थर की कारीगरी है ना वो एकदम लुक दे रही है यहाँ पर, मंदिर की शोभा बढ़ाती है यहाँ पर जो कारीगरी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। मैं आगे की ओर चलता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, और जो मंदिर का ये अंदर कैसे कि आते हो आपको ये गेट मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने में भी, एंजॉय यहाँ पर पैसा वसूल पूरी चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको। सास बहू मंदिर और तेली का मंदिर इसके बाद नेक्स्ट है, हम वहाँ भी जाने वाले हैं। हम लोग आ गए हैं अभी सास
बहू का मंदिर है ना, तो ये सास हैं और ये बहू का मंदिर है यहाँ पर। तो कहा जाता है ये काफ़ी मंदिर प्रसिद्ध है ग्वालियर फोर्ट पर। तो यहाँ पर भी आपको हाथी की कारीगरी मिलेगी यहाँ पर, वहाँ पे मूर्ति की कारीगरी मिलती है, यहाँ पे हाथी की कारीगरी मिलेगी। बहुत पुराने ज़माने के हैं इसलिए ठंडी भी हो चुके हैं, तो काफ़ी कारीगरी मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर। ये सास बहू मंदिर बोला जाता है दोनों को मिलाकर। जैसे कि मैं अंदर की ओर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को तो मिलेगा, आपको कारीगरी देखने को मिलेगी यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ में आते हो तो यहाँ पर आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा ग्वालियर फोर्ट में सास बहू मंदिर देखने के लिए आपको। जैसे कि बाहर की ओर आता हूँ तो यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिलेगा यहाँ का, अगर नाइट हो जाती है। यहाँ पर नाइट में ये LED जो लगी हुई हैं, मर्करी लाइट बोलते हैं इनको, यहाँ पर जगह जगह मिलेगी आपको। मंदिर की ये शोभा बढ़ाते हैं यहाँ पर, जैसे कि तीन कोने पे लगी हुई हैं छः लाइटें यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर वाइट रोशनी फेंकती हैं, पूरी रोशनी में जगमगा जाता है नाइट में यहाँ पर सास बहू मंदिर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, और गुरुद्वारा आपको सामने दिख रहा होगा, मॉर्निंग हो रही है और अभी हम लोग मतलब फ्रेश भी ना आए इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा आप लोग हरियाली देख सकते हैं, यहाँ पर अटूट हरियाली है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में। तो सन निकल चुका है यहाँ से, या मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। गाइस आप लोग थक जाते हैं यहाँ से सास बहू मंदिर घूम कर, तो यहाँ पर मिलेगी आपको चेयर, दो चेयर दी गई हैं यहाँ पर। तो मैं अभी पहली वाली चेयर पे बैठ गया हूँ और सन भी निकल गया है सामने से, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने में। और ठंडी हवा भी चल रही, क्योंकि अपना मकसद जो था ना आज कंप्लीट हो गया है गाइस। तो फुल एनर्जी के साथ में हम लोग चलते हैं जो तेली का मंदिर है ना वहाँ देखते हैं। आज तक मैंने तेली का मंदिर का नाम तो सुना है पर घूमा नहीं है वहाँ का, और सास बहू मंदिर भी मैंने घूमा नहीं था, बट एक्चुअली मैं आज आ चुका हूँ सास बहू मंदिर और घूम लिया है। आप लोग एंजॉय करो वीडियो, और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर और बेल आइकन ज़रूर, क्योंकि आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी नोटिफिकेशन ऑल करने पर। आपको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तेली के मंदिर पे आते हैं तो आवश्यक सूचना यहाँ मिलेगी आपको, संचिक इमारत स्मारक ये आपको गाइडलाइन दी हुई है, और हम एक और इतिहास का जो बना हुआ है गाइडलाइन इतिहास की, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, ये तेली मंदिर का प्रवेश गेट है, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। अभी यहाँ से एंटर करने के बाद में हम लोग जाएँगे सीधे अंदर की ओर, जैसे कि अभी नवीन भाई जा रहे हैं और हमारे एक और दोस्त हैं वो खड़े हुए हैं सामने, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है यहाँ पे भी। पर्यटक से निवेदन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप अंदर की ओर एंटर करते हो तो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे अवश्य मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस वजह से पानी बहता है पर अभी पानी चल नहीं रहा है यहाँ से, और वहाँ पर कचरे का डब्बा लगा हुआ है। पार्क में इंसान जो बैठे आते हैं, मूँगफली वगैरह चिप्स वगैरह जो लोग खाते हैं यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं, तो यहाँ पर कचरा लोग फेंक जाते हैं, तो वहाँ पे डस्टबिन लगा दिया गया है, वहाँ पे आप डस्टबिन में कचरा डाल दीजिए वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्वच्छ पड़ा हुआ है, सफाई का पूरा पूरा ध्यान दिया गया है यहाँ पर दिल्ली के मंदिर में। जैसे कि हम आते हैं तो आपको कुछ फैमिली मिलेगी यहाँ पर घूमते हुए सुबह के मॉर्निंग टाइम में, दिल्ली से आइए फैमिली भी यहाँ। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू यहाँ का तेली जी का मंदिर का, ये तेली का मंदिर है काफ़ी। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, यहाँ पे तेली जी का मंदिर है यहाँ पे, आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं मंदिर में क्या खासियत है अंदर। जैसे कि अंदर से आप अंदर की ओर जाते हैं तो आपको ये मिलने वाला है विशाल मूर्ति, सब यहाँ पे पुराने ज़माने की हैं, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है बुद्ध जी की मूर्ति लग रही है यहाँ पर जो खंडित हो चुकी हैं। सुरक्षा कवच डोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग चलते हैं जैसे कि अंदर की ओर, आपको आकर्षित नज़ारा मिलने वाला है अंदर की ओर। तो यहाँ पर ऊपर जैसे कि देखते हो कलाकारी बहुत ही अच्छी दी गई है, तोता भी बैठा हुआ है ऊपर, जैसे कि आप लोग आवाज़ भी सुन सकते हो, काफ़ी अच्छे लगने वाला है यहाँ पे। चलते हैं अंदर की ओर देखते हैं। गाइस मैं आ गया हूँ ये तेली मंदिर है जो वहाँ से मैंने एंट्री की थी सामने से, तो मैं ये गेट पीछे पीछे दिख रहा होगा आपको, ये गेट है, हम लोग उसके अंदर आने जाने वाले हैं। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर चमगादड़ हैं,
और स्मेल भी बहुत आ रही है, तो मैंने ये मास्क लगा लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला था आप लोगों से कि स्मेल यहाँ पर चमगादड़ की बहुत आ रही है, यहाँ पे स्मेल काफ़ी है। आप लोग मास्क उपयोग जरूर कर लें, यहाँ पे मास्क का उपयोग करोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे कॉटन सी महसूस भी हो रही है और स्मेल भी काफ़ी आ रही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो चमगादड़ चमगादड़ है पूरी जगह, देखो भाई साहब बहुत सारी चमगादड़ हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, चमगादड़ का पूरा पूरा पेरा है, देखो चिपकी हुई है यहाँ पर। तो भाई साहब ये भी चिपकी हुई है चमगादड़, बहुत चमगादड़ हैं, स्मेल भी काफ़ी आ रही है। मैं आप आ चुका हूँ पीछे की ओर, तो पीछे की ओर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का पीछे का व्यू। तो आपको पीछे का व्यू भी मतलब एक जैसा ही है पीछे भी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो पीछे का व्यू पूरा मतलब फिनिशिंग दी गई है पीछे का व्यू। मैं पीछे की ओर आ गया हूँ तो आपको ये पीछे ऊपर गोला साइड पर दिख रहा होगा, ये सीधे ऊर्जा का प्रवाह करता है। ऊर्जा प्रवाह का मतलब है यहाँ अंदर धूप जाती है, हवा का संचार भी होता है, ये आपको गोला दिख रहा होगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये शेर का मुंह है, यानी मगर सॉरी शेर का मुंह नहीं है, ये मगर का मुंह है। मगर के मुंह से पानी निकलता है, जो अंदर मैंने आपको तेली जी का मंदिर दिखाया है, तेली का मंदिर, यहाँ से पानी निकलता है। तो है दोस्त, आप लोग जैसे कि कहीं भी घूमने जाते हो, एक ग्वालियर फोर्ट हो मतलब कहीं भी अदर, आप लोग जैसे ही घूमने जाते हो ना, प्लीज़ मास्क का उपयोग जरूर करें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। फिलहाल आप लोग मास्क का उपयोग करोगे अपनी सेफ्टी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर चमगादड़ और यहाँ पे स्मेल भी बहुत आ रही है चमगादड़ की, तो इस वजह से स्मेल आप लोग मतलब सहन ना कर पाओ, इसलिए मास्क आपको साथ लेके आना है। जैसे कि मास्क आप साथ लेके आओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगी, सांस लेने में दिक्कत भी नहीं आएगी अंदर, क्योंकि चमगादड़ बहुत हैं तो बदबू भी बहुत हैं। है गाइस, तो हम लोगों ने अभी तेली जी का मंदिर घूम लिया है और सास बहू मंदिर भी हमने घूम लिया है। हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर, क्योंकि हमारा मिशन जो था आज का कम्प्लीट हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं घर। और उम्मीद करता हूँ आपसे ये ब्लॉग्स आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने आपको पूरा व्यू और तेली जी का मंदिर है, सास बहू मंदिर आपको घुमा दिया है। तो गाइस आप लोग शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, मैं रोहित गौर, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब के लिए बाय बाय गाइस।